नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ना हो, इसे लेकर सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक ली गई। बैठक में पंचायत सचिव व सीईओ जनपद को निर्देश दिए गए कि जहां बोरिंग फेल हो गए हैं वहां टैंकर से सप्लाई किए जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेयजल वितरण में भ्रष्टाचार न हो। खंडवा, कटनी सहित प्रदेश के कई जिलों में पेयजल की विकराल समस्या होने लगी है। आमजन 2 से 5 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। इसे देखते हुए समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि अपने अपने जिले में पानी की समस्या न हो, ये सुनिश्चित की जाए। सीएम के निर्देश को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी पंचायत सचिव, सीईओ जनपद सहित पेयजल से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी पंचायत जहां बोरिंग फेल हो चुकी है वहां के गांवों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति करें। उन्होंने अधिकारियों को इस बात के सभी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पानी बेचने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने टैंकर की दर भी तय करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने संबल 2 की भी घोषणा की है। बैठक के दौरान पंचायतों के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र हितग्राहियों के आवेदन जमा कर उन्हें इस योजना से जोड़ें। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि पात्र व्यक्ति एमपी ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय में आवेदन कर सकता है। बैठक के दौरान अधिकारियों को आवास प्लस का सर्वे कार्य भी पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पंचायत सचिवों की, सब इंजीनियर्स की, सभी सीईओ जनपद की सभी एक बैठक ली गई थी। मुख्य विषय इसका पेयजल को लेकर था। ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी सिंगल फेज मोटर लग चुकी है, पानी नीचे चला गया है, या जहां पर प्राइवेट ट्यूबवेल सप्लाई की जा रही है, ऐसी सभी जगहों पर निजी टैंकर्स हम लोग लगाएंगे उन पंचायतों में। और 3000 लीटर की कैपेसिटी सफिशिएंट रहती है, वो आराम से वो कैटर कर सकता है अपने गाँव को, जो गाँव उस पंचायत में शामिल हैं तो उसको लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी हर जगह टैंकर्स बढ़ाए जा रहे हैं कि जो भी हमारे अधिकारियों ने बोला है कि इतनी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा ही हमने बोला है कि टैंकर लगाएं, क्योंकि जब टैंकर मूवमेंट होता है तो टैंकरों की संख्या से कन्वीनियंस मोहल्लों को ज़्यादा हो जाता है कि अलग अलग मोहल्लों पर जाकर के डिस्टेंस कम से कम जनता का रहे, तो टैंकर की संख्या संचित रहती है तो कन्वीनियंटली लोगों को पानी मिलता है उसमें, तो वो भी निर्देश दिए गए हैं। बस ये भी निर्देश दिए गए हैं पानी बिकना नहीं चाहिए कहीं भी, चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें पानी बिके ना, इसमें विशेष सावधानी रखी जाए। सभी जो नगर परिषदें हैं जिले की 8, राऊ हो गए, राऊ में 4 खुद के टैंकर्स भी हैं, किंतु अब अन्य सभी नगर परिषदों में बोला है कि टैंकर डिप्लॉय करें अपना, अगर 2 दिन में जो रूटीन में पानी जल प्रदाय होता है अगर वो भी हो रहा है तो भी आप टैंकर लगाएं। सीएम साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेयजल की समस्या कहीं नहीं होनी चाहिए। तो सामान्य तौर पर जब 2 दिन की सप्लाई चलती है तो नगर परिषदों में गर्मी के सीज़न में टैंकर नहीं लगाए जाते हैं, किंतु चूँकि इस बार विशेष निर्देश सीएम साहब ने दिए हैं और समस्या बहुत गर्मी बहुत है इस बार, तो अगर नॉर्मल सप्लाई जो पानी की होती है वो गर्मी में उसका प्रेशर डाउन होता है, कंजम्पशन जो कि बहुत ज़्यादा होता है तो लोग मोटर लगा के कई बार खींच लेते हैं तो एंड पॉइंट्स पे लोगों को नहीं मिलता, तो ऐसे क्षेत्र हमेशा बच निकलते हैं, ऐसे परिवार हमेशा निकलते हैं जिनके यहाँ पानी सप्लाई नहीं हो पाता पाइपलाइन से, ऐसी कंडीशन में टैंकरों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए वहाँ भी बोला गया है। आवास प्लस को लेके भी था कि आवास प्लस में जो सर्वे पुनः कर लें एक बार, जो बचे हैं लोग उनका कर लें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना 2 लॉन्च की है, जो 2019 में करीबन 4-1 लाख लोगों के नाम निरस्त कर दिए गए थे संबल से, और उसमें से जो लोग मान रहे हैं कि हम लोग पात्र हैं, पात्रता में आते हैं, उसको फिर से अप्लाई करने के लिए एक मौका दिया है सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लॉन्चिंग की है, तो उसमें आज से पोर्टल चालू हो गया है। लोग उसमें एमपी ऑनलाइन जा करके या हमारे लोक सेवा केंद्र जा करके या नगर निगम के जोन कार्यालय जाके, नगर परिषद कार्यालय जाके या पंचायत में जा करके लोग आवेदन दे सकते हैं और संबल में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, फिर उनकी पात्रता जैसे चेक खुद की वेरीफाई होगी उस प्रकार से निर्णय उसमें किया जाएगा, तो उसके लिए भी लोगों को बतलाया है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी ना हो पंचायतों में, पीसीओज और सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो लोग भी सतर्क रहें अगर कहीं गलत। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।